क्या आपको अपने गांव या शहर की महत्वपूर्ण खबरें नहीं मिल पा रही हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। अपना मनपसंद चैनल ABPS खबर अपने आसपास एवं देश प्रदेश की खबरों के अपडेट के लिए बने रहें ABPS खबर के साथ। तत्कालीन खबरों को पाने के लिए ABPS चैनल को सब्सक्राइब करें और तर्कपूर्ण एवं सत्यतापूर्ण खबरें आपको ABPS चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी। सहरसा से चलकर गोरखपुर महानगर के बितियाता चौराहे पर पहुंचे पैदल यात्री, इन यात्रियों को जाना है नेपाल। एसपी सिटी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने इन लोगों को भोजन कराने के बाद उनका स्वास्थ्य परीक्षण कोरोना परीक्षण टीम के माध्यम से कराया गया। इनका शारीरिक टेम्परेचर नापने के बाद इनको 108 नंबर की एम्बुलेंस के माध्यम से क्वारंटाइन हाउस भेजा गया, जहां पर इनको 14 दिन रखने के बाद इनके देश नेपाल में भेजने की व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ साथ बितियाता चौराहे पर अवैध रूप से काली फिल्म लगाकर चल रही गाड़ियों का भी चालान किया गया और लोगों को सख्त हिदायत दिया गया कि आप भविष्य में इस प्रकार की कोई काली फिल्म लगा करके गाड़ी नहीं चलाएंगे। इस पूरे अभियान का नेतृत्व ADM सिटी SP सिटी साहब कर रहे थे तथा वह माइक और ध्वनि विस्तारक के माध्यम से पुलिस जनों को कह रहे थे कि आप किसी भी गाड़ी के दरवाजों या हैंडल को न खोलें तथा किसी प्रकार के गाड़ी के कागजों को हाथ न लगाएं, बल्कि दूर से ही देखकर उनको वहां से जाने का निर्देश दें और यदि कोई व्यक्ति काली फिल्म लगाकर चलता है तो उससे आप किसी प्रकार से उलझने की कोशिश न करें, बल्कि उनकी गाड़ियों का फ़ोटो खींचकर जो चालान है वह उनके मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से देने का कष्ट करें। इसी प्रकार से महानगर के विभिन्न चौराहों पर दूर देश से जो चल करके भिन्न प्रदेशों से जो यात्री आ रहे हैं पैदल यात्रा करते हुए, जहां कहीं भी जिस किसी चौराहे पर पुलिस को प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें भोजन तथा पानी की उचित व्यवस्था करने के साथ साथ उनको काफ़ी धैर्यपूर्वक समझाया जा रहा है कि आप धैर्य धारण करें, आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसके करीब पहुँच चुके हैं, आप 14 दिन अपने आप को क्वारंटाइन करें और स्वस्थ होकर अपने घर को वापस जाएं। उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जा रही है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। प्राप्त सूचना के अनुसार कल रात को असुरन चौराहे पर करीब 1 बजे 20 से 25 लोग सर पर गट्ठर लाद करके जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोका और पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग नासिक से पैदल चल करके आ रहे हैं और हमें पिपराइच के किसी गांव का नाम बताया, वहां जाना है। पुलिस ने उन्हें रोका और कोरोना की जो टीम चल रही है उनको बुला करके उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उनको क्वारंटाइन हाउस में भेज दिया गया है। चौराहे पर खड़े हैं, यहाँ पे मैं पीछे दिखाना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति सहरसा बिहार से चल करके और नेपाल पर जाने के लिए आए हुए हैं, जिनको भोजन और पानी की व्यवस्था यहाँ के जो मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे हैं संपूर्णानंद जी, इनके द्वारा किया गया और पुलिस विभाग के जो पूरी टीम है इस चौराहे पर उन्होंने इनके भोजन और पानी की व्यवस्था किया है और सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा 108 नंबर पर सूचना दी गई है। और सबसे पहले इनका काम क्या किया गया, जो गोरखपुर की कोरोना की जो टीम है जो कोरोना का टेस्ट करती है वो इन लोगों का टेम्परेचर ली है, जिसमें सभी लोग नॉर्मल मिले हैं और काफ़ी दूर से यात्रा करके आए हैं, थके हैं और थक करके चूर हैं। और इस आगे क्रम में मैं बताना चाहता हूं कि ये जो पूरी टीम है सतर्कता के साथ पहले इनको रोकी है और इनको सबसे पहले भोजन दिया, उसके बाद इनकी सूचना प्रशासन को दिया तो जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब हैं वो आए और स्वास्थ्य की टीम साथ में लेकर आए, इनका टेस्ट कराए हैं। सर ये बताइए ये कहाँ से आ रहे हैं और क्या इनका इतिहास रहा पूरा? ये बिहार से हम चले हैं, गया बना होते हुए
यहाँ पे जब सूचना मिली है उसके साथ में टीम बुलाया है, COVID-19 की टीम आई है और इनका चेकअप किया है, टेम्परेचर वगैरह ली है। हमको अग्रिम कार्रवाई क्या इनके साथ होगी? आदेश दिया गया है कि इनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके 108 नंबर पर हमने कॉल करके और एम्बुलेंस मंगा लिया है, बस आती ही होगी एम्बुलेंस, फिर इनको क्वारंटाइन हम 14 दिन के लिए करेंगे। इस पूरे टीम का नेतृत्व मोदी साहब कर रहे हैं सर, ये बताइए सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर आप इनके साथ क्या किए? जब ये आए, जब ये लोग आए हैं, ये लोग बिल्कुल सासाराम से चल के आ रहे हैं, जब ये हमारे जनपद गोरखपुर में आए तो हमारे SSI महोदय, ODM महोदय द्वारा जो जनपद में इसकी सुरक्षा के जो भी लोग आ रहे हैं, इन्हें पहले खाना वाना खिलाया गया, पानी पिलाया गया, फिर संबंधित अधिकारी को सूचित करते हुए डॉक्टर की टीम आई, जिनको जिन्होंने जाँच किया, जाँच से इन्होंने बताया कि इन्हें अपने क्वारंटाइन स्थल ये सरस्वती विद्यालय में रखा गया है, क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, वहाँ पे इन्हें भेजा जाएगा और जब ये स्वस्थ पाए जाएंगे तो इन्हें प्रमाण पत्र दे करके आगे की। सर, ये नेपाल के रहने वाले हैं और नेपाल की बॉर्डर सील है, तो यहाँ से कैसे ये वहाँ तक प्रवेश करेंगे? इसके लिए आगे की कार्रवाई जो है मार्ग में बनाया गया है, जैसे वो अपने बॉर्डर तक जाएंगे तो वहाँ की व्यवस्था है वो लोग देख लेंगे। अभी मैं देख रहा था कुछ लश्कर मेंटेन दे रहा है, मैं ये करमचंद यादव जी हैं तो इनका पूरा इतिहास, करमचंद जी की जो लोग आते हैं बाहर से इनका पूरा डाटा रखा जाता है, क्या इनको हाजिर मिला है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं इनका पूरा नाम, मोबाइल नंबर, कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ से आ रहे हैं, पूरा हम लोग नोट करते हैं, फिर इनको अभी प्रॉब्लम होती है इनको भेजा। जिस प्रकार से पुलिस के ये जवान जनता की सेवा के लिए और मजिस्ट्रेट से हमारे बगल में हैं, दिन रात 12-12 घंटे की सजग ड्यूटी करते हुए अपने जीवन को संकट में डालते हुए उन लोगों की सेवा कर रहे हैं, सबसे पहले भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं, जो समाजसेवी संस्थाएं हैं या पुलिस विभाग से जो भोजन आता है उसको रखते हैं, और रास्ते में जो भी व्यक्ति मिलता है, यहाँ तक कि मैं देखता हूँ कि कुत्ते को भी रोटी की व्यवस्था लोग करते हैं, अगल बगल से लोगों से व्यवस्था कराते हैं, तो इस पूर्ण कार्य के लिए सबसे पहले मैं विशेष कर इनका सलाम करता हूँ। और मैं तो कोर्ट से धन्यवाद देता हूँ कि भूखे प्यासे को सबसे पहले भोजन की व्यवस्था कराते हैं, बाद में अन्य जो है वो पूरे जो कागजी कार्रवाई होती है उसको पूरा करते हैं। ABPS खबर के लिए मैं डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, मैं ज्यादा चौरासी।